हेलो एवरीवान दिस इज़ उबैद खानू आर वॉचिंग ए लाइट एज यू वर्ल्ड सो फ्रेंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो so प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज वी हैविंग लॉट ऑफ एजुकेशनल वीडियोज़ ओके सो फ्रेंड्स वी हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड वन पार्ट पार्ट वन एज़ पर द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दिस इज़ पार्ट टू हम यहाँ, यहाँ पे पार्ट टू यहाँ पर बना रहे हैं दैट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस पार्ट वन में हमने देखा था हाउ द

तो लास्ट हमारे लेक्चर में हमने क्या देखा है कि क्या वो दो टाइप कौन से हैं अरबिक एंड अनरबिक रेस्परेशन एंड हाउ इट इज़ हैपनिंग तो वो सारी चीज़ें हमने देख ली है अब इस सेशन में हम प्योरली वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमन रेस्पिरेशन ओके एंड हाउ द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस विल बी हैपन ये सब हम इस लेक्चर में देखेंगे ठीक है, है तो वंस वी आर टेकिंग द एयर इनसाइड आवर बॉडी सो इट इज जस्ट एंटरिंग फ्राम द नॉस्ट्रिल्स ओके वो कहाँ से एंटर होगा इट विल इंटर फ्राम द नॉस्टिल्स एंड हेयर इट इज़ हैविंग हेयर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर ऑल्सो हैविंग अ म्यूकस सो वेयर द वेरी द अन वॉन्टेड थिंग्स लाइक डस्ट पार्टिकल्स एंड ऑल दे आर गोइंग टू भी स्टक जो भी डस्ट पार्टिकल है और जो भी हार्मफुल थिंग्स हैं एयर में वो वहाँ पर क्या हो जाएगा स्टक हो जाएगा सो बेसिकली वी कैन से दिस इज द फिल्टरिंग द एयर ये फिल्टर कर रहा है एयर को वहाँ से एयर पास होगा इन द नाजल पैसेज नाजल पैसेज विल डू द कंडीशनिंग ऑफ द एयर कंडीशनिंग मीज क्या होगा इफ़ यू इट इज़ हैविंग अ वेरी कोल्ड एयर तो हमारे बॉडी में जितना रिक्वायर्ड टेम्परेचर में ये चाहिए उसको वो कंडिशनिंग करेगा ओके मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द एयर विच इज सुटेबल फॉर आवर बॉडी देन द एयर विल भी इंटर फ्राम द नाजल पैसेज एंड इट इज पासिंग थ्रू द फैरिंग्स ओके फैरिंग्स दिस इज एक्चुअली द कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ द सिस्टम्स ओके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये रहेगा और सर के हमारे रेस्पिरेशन में भी रहेगा ओके सो इट इज़ पासिंग फ्रॉम द फरिंग्स एंड देन इट इज़ एंटरिंग इन द लैरिंग्स ओके एंड लैरिंग्स व्हाट इज द लैरिंग्स इट इज़ आल्सो कॉल्ड द साउंड बॉक्स ठीक है विच हेल्प टू प्रोड्यूस द साउंड जहाँ से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है विच इज प्रेजेंट इन द नेक रीजन कौन से रीजन में होगा ये नेक रीजन में होता है ओके सो एंड इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया ये जो हमारा ट्रैकिया उसके फ्रंट में कौन सा होगा फारिंग्स होगा सो फारिंग्स सॉरी लैरिंग्स होगा सो लारिंग्स इज अ साउंड बॉक्स विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया ओके फ्रॉम हियर द एयर विच वी हैव इनहेल विल बी इंटर इन टू द ट्रैकिया वहाँ से एयर किस में इंटर होगा ट्राकििया में सो दिस इज़ द ट्रैकिया विच इज आई हैव शो नो हियर इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं जो लोअर क्लासेज में हम अब तक स्टडी करते हैं ना तो वी आर यूजिंग द विंड पाइप टर्म बिकॉज इट इज़ कैरी द विंड है ना फूड पाइप होगा विंड पाइप होगा सो फ्रॉम हियर वी हैविंग अ टू डिफरेंट पाइप्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम सो इट इज हैविंग अ फूड पाइप ठीक है और जिसको ऐसा फेगर्स बोलते हैं बट यहाँ पे हम लोग सर्कुलेट वे आर लुकिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम तो यहाँ पे होगा ट्रैकिया जिसको विंड पाइप भी बोल रहे हैं ठीक है सो दिस इज द ट्रैकिया एंड इट इज कवर्ड बाय द हाफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको बोलते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ओके सो दिस इज वट वी हैव सीन अवर हियर दिस इज द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो हाफ रिंग्स हमारे जैसे होते हैं तो ये कार्टिलेज क्या होता है इट इज अ सॉफ्ट बोन है ना तो ये सॉफ्ट बोन के कार्टिलेज के यहाँ पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वेन वी टच और हियर वी विल सी सम हार्ड थिंग्स आर देयर तो ये प्रोटेक्शन के लिए है इट इज प्रोटेक्टिंग द ट्रैकिया ये ट्रैकिया को प्रोटेक्ट कर रहा है और दूसरा इट इज मीन्स प्रिवेंटिंग द कोलाप्सिंग ऑफ द ट्रैकिया वैन देर इज नो एयर जब इसमें एयर नहीं भी हो तो उस टाइम पे ये ट्रैकिया को कोलाप्स होने से यहाँ पे प्रिवेंट करता है सो दैट इज अ फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इसको स्ट्रेंथ दे रहा है और कोलाप्सिंग से उसको प्रिवेंट कर रहा है ठीक है आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इट इज़ इंटरिंग इन टू द थोरासिक कैविटी हमारे लंग्स कहाँ पर होते हैं थोरासिक कैविटी चेस्ट कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड द थोरासिक कैविटी विच इज द सिचुएटेड लंग्स आर देर एंड हर्ट इज देर हर्ट और लंग्स हमारे दोनों भी है थोरासिक कैविटी में ये सिचुएटेड है ओके सो वायल इट इज एन इंटरिंग टू द थोरासिक कैविटी दिस ट्राकििया विल भी डिवाइड इन टू टू पार्टीशन ट्राकििया अब ये जब हमारे चेस्ट कैविटी में इंटर हो जाएगा ये एयर पाइप विंड पाइप हमारा तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है so, इसका नाम है ब्रोंकाय ठीक है ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ट्राकििया तो उसका नाम है यहाँ पे ब्रोंकाय बिकॉज वी हैविंग टू लंग्स तो द एयर हैज़ टू बी प्रोवाइड इन टू बोथ द लंग्स दैट इज वाई द ब्रोंकाय इज हैविंग अ डिफरेंशिएशन यहाँ पे डिफरेंट हो गया दो इसमें डिवाइड हो गया ठीक है आफ्टर इट इज इंटरिंग टू द लंगस ओके ये ब्रोंकाय लंग्स के बाहर से डिवाइड होकर लंग्स में इंटर हो रहा है देन आफ्टर इंटरिंग टू द लंग्स इट इज़ फर्दर डिवाइड इन टू ब्रोंकिस ये जो यहाँ पे फर्दर ब्रांचेस यहाँ पे जब हम देख रहे हैं दिस इज द ब्रांचेज विच इज अराइजेज फ्राम द ब्रोंकाय ब्रोंकाय लंग्स में इंटर होने के बाद और फर्दर ब्रांचेस में वो डिवाइड होगा सब डिवाइड होगा एंड दैट इज़ अ नेम विल बी चेंज दैट इज कॉल्ड ब्रोंकिल्स है ना जब वो और ज़्यादा ब्रांचेस में डिवाइड होगा ब्रोंकाय तो उसी का नाम हो जाएगा यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स ओके सो इन द बोथ द लंग्स इट विल हैपन लाइक दिस फर्दर डिवाइड इन टू ब्रोंक्यूल्स राइट नाउ दिस ब्रोंक्यूल्स विल एंड अप पे एंड होगा इट विल टर्मिनेट ऑन द सैक टर्मिनेट होगा मीन्स कहाँ पे खत्म हो रहा है ये एलवोलार सैक तो ये एलवोलर सैक दिस इज द एंड ऑफ द अवर ब्रोंकियोल ब्रोंकियोल यहाँ पे आके एंड हो गया अब ये एलवोलार सैक होता क्या है दिस इज द सैक लाइक स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे हो बलून लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एल्वोलार सैक ओके इन शॉर्ट वी कैन बी से एलवोलासो सो दिस इज द एयर सैक इसको एयर सैक क्यों बोल रहे हैं बिकॉज एयर इज गोइंग टू बी स्टोर इन टू दैट ऑक्सीजन इज गोइंग टू भी एब्जॉर्ब इन टू दिस एल्वोलर सैक क्योंकि हमारा ये रेस्पिरेशन करने का रीजन क्या है वी नीड ऑक्सीजन वी हैव टू ट्रैप द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर तो जब एयर हमारा पूरा यहाँ से पास होकर जब एलवोलर सैक तक आता है तो इट इज गोइंग टू बी एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम इट तो एलवोलार सैक विल बी एब्जॉर्व द ऑक्सीजन एंड साइमल्टेनियसली वॉट विल हैपन इट इज़ हैविंग द कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो ठीक है कि यहाँ पे अभी एल्वोलार सैक में ऑक्सीजन है तो जब हमारा ब्लड इट इज एक्चुअली सराउंडेड बाय द कैपिलरीज इसकी जो वॉल्स होती हैं दिस इज सराउंडेड बाय द कैपिलरी दैट इज़ अ वेरी फाइन लाइक ब्लड वेसल्स तो उसमें जब ब्लड इंटर होता है इन द एल्वोलाइज और कैपिलरीज ऑफ द एलवोलाइज सो द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस विल बी हैपन क्या होगा एक्सचेंज कि जिस एल्वोलर सैक में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में एंटर होगा एंड आर बी सी द ब्लड सेल विल बी टेक दैट एंड प्रोवाइडेड टू होल द बॉडी वाइल साइमल्टेनियसली द ब्लड विल ब्रिंग द कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर रेस्पिरेशन क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा है सो दैट वेस्ट वोलाटाइल प्रोडक्ट विल हैव टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी सो दैट ब्लड विल बी ब्रिंग दैट एंड वेन इट इज टेकिंग द ऑक्सीजन इट इज गिविंग बैक द कार्बन डाइऑक्साइड इन टू द एलवोलाय तो ब्लड से एलवोलाय में क्या होगा कार्बन डाईआक्साइड इंटर हो जाएगा एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस इसका जो अपोजिट प्रोसेस है वो यहाँ पे फॉलो होगा वाइल वी आर एक्जीलिंग आउट दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल भी फ्राम एलवोलाय देन पास इन टू द नेक्स्ट प्रोसेस ब्रोंक्यूल्स देन ब्रोंकाय थ्रू द विंड पाइप एंड देन फ्रॉम द नॉस्टल इट विल एक्जिल आउट सो वैन वी आर एक्जीलिंग आउट द एयर तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गोइंग टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी सो लाइक दिस द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज विल भी हैपन इन आवर बॉडी ठीक है इस तरह से हमारा पूरा सिस्टम यहाँ पे वर्क करता है राइट एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिस लंग्स बिकॉज लंग्स आर वेरी डेडिकेटेड है ना ये जो हमारा एक्चुअली सरफेस एरिया है जिसके अंदर हमारा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है ठीक है एंड फॉर द प्रोटेक्शन ओनली इट इज़ सिचुएटेड इन द बॉडी है ना एक्चुअली ये अगर बाहर रहेगा तो ज़्यादा एयर को इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है बट ये हमारे बॉडी के अंदर सिचुएटेड क्यों है बिकॉज इट इज़ अ वेरी डेडिकेटेड तो इसको प्रोटेक्शन के लिए हमारे बॉडी के अंदर इसको स्टोर uh, किया हुआ है ओके एंड देन दूसरा एक टर्म यहाँ पर है कि हम अगर ये एलवोलरार सेक क्यों है ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बिकॉज इट इज़ प्रोवाइडिंग मोर सरफेस एरिया कि ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा तो ज़्यादा यहाँ पर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो सकता है ओके सो टू प्रोवाइड मोर सरफेस एरिया वे हैविंग द एल्वोलाइज और एल्वोलार सैक ओके

चेस्ट कैविटी विल बी मूव आउटवर्ड डायरेक्शन ये आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा और दूसरा क्या होगा जो हमारा डाइफ्राम है डायफ्राम इज़ अ रबर शीट लाइक स्ट्रक्चर विच कैन बी फ्लैक्बल सो इट विल गोइंग टू बी स्ट्रेट ये अभी कैसे हैं यहाँ पर आपको डोम uh, शेप दिख रहा है तो ये स्ट्रेट हो जाएगा और रिब्स हमारे आउटवर्ड मूवमेंट करेंगे जिससे क्या होगा द चेस्ट कैविटी विल बी एक्सपांड कैविटी एक्सपांड हो जाएगा तो आवर लंग्स हैविंग अ मोर स्पेस टू हैव मोर एयर वो ज्यादा एयर वहाँ पे एब्जॉर्ब करने के लिए उनको ज्यादा स्पेस मिलेगा सो दिस इज वाइल वी आर इन्हेलिंग सो द डायफ्राम इज़ हैविंग वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द इनलिंग एंड एक्जिलिंग ऑफ द एयर ओके इसका अपोजिट क्या होगा वैन यू वॉन्ट टू एक्जिल आउट द एयर एक्जिल आउट करते समय क्या होगा अवर रिब्स आर गोइंग टू बी मूव इन साइड वो इनवर्ट डायरेक्शन में हमारा रिब्स मूव होता है ओके एंड द डायफ्राम इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्ट वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर जाएगा डायफ्राम तो क्या करेगा चेस्ट कैविटी विल बी रिड्यूज वहाँ पे कैविटी रिड्यूस हो जाएगा एंड द प्रेशर विल बी अप्लाइड ऑन टू द लंग्स एंड द लंग्स आर स्पंजी सो वेन एवर इट इज़ हैविंग अ प्रेशर द ऑलमोस्ट अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एक्जिल आउट क्योंकि ये वेस्ट प्रोडक्ट है दिस इज द वोलाटाइल वेस्ट प्रोडक्ट सो इट हैज़ टू बी रिमूव मोर फ्रॉम द बॉडी तो ये इनवर्ड मूवमेंट होगा वैल वी आर एक्जिलिंग आउट द एयर ओके सो लाइक दिस वी कैन बी डू द रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होगा एंड वी विल हैव द ऑक्सीजन ओके सो लाइक दिस प्रोसेस विल बी हैपनिंग इन द बॉडी एंड वी विल गेट द ऑक्सीजन वी विल गेट द ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड है ना इसका सारा प्रोसेस का बेसिक एम क्या है वी हैव टू ऑक्सीडाइज द फूड हमको हमारे फूड को ऑक्सीडेशन करना है टू रिलीज द एनर्जी फ्रॉम दिस सो फॉर दैट रीजन वी आर डूइंग द रेस्पेशन प्रोसेस एंड दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इट विल कंसिडर इन द लाइफ प्रोसेसेस दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस जैसे हमारे लाइफ प्रोसेस हमने देखे हैं Uh, before that we having that uh, digestive system, respiratory system and excretory system and circulatory system these are the basic four life processes which are very important for the survival of the any organism okay? so this is regarding the, regarding the respiratory system so today we will uh, stop over here Okay, and uh, please subscribe to our channel and see you into the next lecture thank you